इंदौर कनाड़िया थाना क्षेत्र में हुई 51 लाख रुपए की चोरी में पुलिस ने घर के पुराने नौकर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुराने नौकर ने ही अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया था और गांव भाग गया था। पुलिस ने आरोपी से 41 लाख रुपए बरामद किए हैं। दरअसल क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी विवेक चुग ने थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे घर में रखा पैसों से भरा बैग गायब है, जिसमें तकरीबन 51 लाख रुपए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की थी। वहीं फरियादी से पूछताछ में बताया गया कि कई पुराने नौकर जो नौकरी कर छोड़ चुके हैं उन पर संदेह जताया था। वहीं पुलिस द्वारा इन नौकरों पर भी नज़र रखी जा रही थी। खरगोन जिले में रहने वाला नौकर रामू का आचरण संदिग्ध दिखा, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। चोरी की रकम अपने घर में गड्ढा खोदकर गाड़ना ही बताया है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस मामले में थाना प्रभारी और ऊना से जानकारी में पाया गया कि एक व्यक्ति ने 3 तारीख को इस बारे में आवेदन दिया। उस आवेदन पत्र पर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर गलत था। फिर भी आवेदक के नाम और पता से पुलिस वहां तक पहुंची। उनको 2 बार बुलाया जा चुका है थाने से। थाने पर उन्होंने जाना उचित नहीं समझा और इस तरह से बजाय आवेदन की इस तरह के काम की बिल्कुल ही उचित नहीं माना जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है वो आवेदन दे, उसमें कार्रवाई होगी। यहाँ भी किसी अधिकारी से मिलकर के बिना किसी अधिकारी से मिलना, इस तरह की प्रक्रिया को बिल्कुल ही अनुचित माना जाएगा। अगर कोई आवेदन है तो अधिकारी से मिले या वहाँ पे थाने पर जाकर के मिले। अगर उनकी बात न सुनी गई हो तब उस बात समझ में आती है, अदरवाइज इस तरह के प्रूफ करने को बिल्कुल ही उसको उचित नहीं माना जाए। सर, पिछली दफा भी एक व्यक्ति आया था बाहर, उसने जहर खा लिया था। लगातार बढ़ती जा रही है इस तरह के मामले की, आपके बाहर केबिन के बाहर आकर लोग आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रेमी प्रेमिका का विवाद था, पति पत्नी के बीच के विवाद में, घर के झगड़े में कोई इस तरह का करता है, इस बात को बिल्कुल गलत की जाएगा और इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी उसमें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की शिकायत है वो अपने मंच पे कहे, अधिकारियों से मिले, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो सही मामले हैं, जो जेन्युइन मामले हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस तरह के अनावश्यक प्रोपेगंडे से लोगों का ध्यान खींचने के लिए, सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह के प्रस्ताव पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहात्मक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।